नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। कांग्रेस के सांसदों ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ बुधवार को संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा में कांग्रेस के नेता और पार्टी के कई अन्य सांसद राष्ट्रपति महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन बुधवार को 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। दिल्ली के ईंधन खुदरा विक्रेताओं की मूल्य अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कांग्रेस सांसदों ने अपने हाथों में तख्तियां ले रखी थी जिस पर गैस सिलेंडर की तस्वीर थी और उसका मूल्य ₹1000 लिखा हुआ था। उन्होंने गरीब मजदूर किसान को तंग करना बंद करो और जवाब तुमको देना होगा, ऐसे नारे लगाए और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर बरसे। कल सदन में भी उठाए थे और सदन को भी स्थगित करने का वक्त है कि हम ये चाहते हैं जो ये मोदी सरकार पांच राज्यों के चुनाव होने के बाद ये डीजल, पेट्रोल, गैस और किरोसिन से लेकर बढ़ोतरी करेगी, ये राहुल गांधी जी ने भी पहले ही ट्वीट किया था। तब वो लोग मजाक उड़ाए थे, लेकिन ये आज सच हो रहा है कि वो खुद पेट्रोल के दाम भी बढ़ाए, डीजल की दाम बढ़ाए, गैस की दाम बढ़ाए, यहाँ तक कि गरीबों के लिए जो किरोसिन होना उसके भी दाम बढ़ाए। 10,000 करोड़ रुपए लूटने की साजिश ये सरकार की है, कर रही है, इसीलिए उसके प्रोटेस्ट में यानी लोगों के इस ग्रीवेंस को देश के सामने लाना, सदन के सामने रखना, सदन के बाहर रखना ये कोशिश हमारी है, इसीलिए आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज हाउस में भी उठाएंगे कैसा मामला? अब ऑलरेडी नोटिस दिए हैं 265 में, 267 में, तो वो नोटिस दिए हैं तो उसके तहत हम उठाएंगे। एक्चुअली इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पेन ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ द कंट्री। यू पीपल नो दैट इमीडिएटली आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑल प्राइस हैज बीन इंक्रीज्ड day by day. It is going to be increased. Yesterday they increased, today they increased, I think tomorrow also they will do the same thing. Therefore this the only relief they are giving during the time of election only. Actually it is a cheating to the people of the country also. People are in distress, COVID related issues are very poor in the country, they are in a very very difficult situation, entire crisis also shooting up. Therefore the government, a responsible government, has to give relief to the people. Instead of giving the relief to the people, they are looting the people actually. That is why we raised this issue in the parliament. Same way we protested outside the parliament. राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना न भूलें।